अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के डोनट्स तैयार करने की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी तैयार करेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने दो बड़े साइज़ के आलू जो हैं उनको बॉयल कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको चॉप कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे मूलीकस के साथ अच्छे तरीके से। तो चलें जी, इस तरीके से आपने इनको क्रश कर लेना। तो बॉयल्ड आलू लिए हैं मैंने ताकि हमारा जो थोड़ा सा टाइम है वो बच जाए। तो अफ्तारी में इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार से समोसे पकौड़े वगैरह चीज़ें बना के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोगों ने अफ्तारी में ज़रूर इनको ट्राई भी करना है और कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी तैयार हुई। तो चलें जी, आलूओं को अच्छे तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चिकन जिनके रेशे तैयार किए हुए थे वो ऐड कर देंगे। उबाइल्ड करके इनका मैंने इस तरीके से थोड़े से रेशे तैयार कर लिए थे। अब यहाँ पर जाएँगे कुछ ड्राई मसाले। तो चलें जी, यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून जो है वो हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टेबल स्पून जो है उसके अंदर हम ऐड करेंगे खुश धनिया पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएगा, दादर मिर्च जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो सारे मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। तो चलें जी, ये सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, चाहे चम्मच की मदद से और चाहे हाथ की मदद से, जैसे आपको आसानी लगे अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी, इस तरीके से हमने पेस्ट जो है वो तैयार कर लिया है। अब इसके डोनट्स जो हैं वो तैयार करेंगे हम। चलें जी, अब थोड़ा सा हाथों पर हमने कुकिंग ऑयल जो है वो लगा लेना और यहाँ से हमने थोड़ा सा पेस्ट लेना और इस तरीके से इसका गोल बाल हमने तैयार करना है। तो ये देखें, बॉल तैयार हो जाएगा। तो तब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और ये इस शक्ल में आ जाएगा। और अब इसको एक प्लेट के अंदर रखेंगे और कोई भी छोटी सी चीज़ हो तो ऊपर से हम थोड़ा सा उसको प्रेस करेंगे इस तरीके से। तो माशाल्लाह ये देखें जी, इस तरीके से हमारे जो डोनट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखें, सारे डोनट्स जो हैं वो हमने अपनी तैयार कर ली हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने कोटिंग के लिए चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, अब इसके ऊपर कोटिंग कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ से हम डोनट का एक पीस लेंगे। इसको सबसे पहले हमने कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स करना है। डिप करने के बाद इसको हम अंडे के अंदर डिप करेंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही एहतियात से, कहीं हमारी डोनट्स जो तैयार किए वो टूट फूट ना जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम क्रम्स हैं वो उसके ऊपर ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी डोनट्स जो है वो तैयार होगी और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे और इसका क्रंचपन भी जो होगा वो भी आपको चेक करवाऊंगी। तो माशाल्लाह ये देखें, इसी तरह से सारे पीसेस जो हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, आयल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने फ्राई किया हुआ जो आयल होता है जिसमें मैंने पहले ही पकौड़े वगैरह फ्राई किए होते हैं उनको मैं सेव कर लेती हूँ, तो वही आयल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर अब हम अपने मज़ेदार से डोनट्स जो हैं उनको फ्राई करेंगे, 1 by 1 करके ऐड करते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इनको हमने तैयार करना है। तो चलें जी, बहुत ही एहतियात के साथ अब इनकी साइड हम चेंज करेंगे ताकि कहीं हमारे जो डोनट्स तैयार हुए हैं वो टूट फूट ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही नरम सी खस्ता सी एक रेसिपी है और इसको बहुत ही एहतियात से तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह चेक करें, मज़ेदार सी हमारी डोनट्स जो है वो भी तैयार हो चुकी है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा आया है। तो इसको भी 1 by 1 करके प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से हमारे डोनट्स भी बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। आवाज़ चेक करें आप, ये देखें इतने कुरकुरे इतने खस्ता, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होती है आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।